आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले नेताओं में एक नाम कुमार विश्वास का भी है, लेकिन आज लगता है कुमार विश्वास पर केजरीवाल को विश्वास नहीं रहा। तभी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने वाले उम्मीदवार की लिस्ट में कुमार विश्वास का नाम ही गायब हो गया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्या कुमार विश्वास का खेल आम आदमी पार्टी में खत्म हो गया या अभी विश्वास का दाव बाकी है? ये रिपोर्ट आप देखिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। ख्वाहिशों का जनाजा जब निकलता है तो दिल से अक्सर ऐसी ही आवाज आती है। तो मैं ये अनुरोध करता हूँ कि कृपया आपने चारों तरफ के आमात्यों को, मंत्रियों को, ट्विटर के वॉरियर्स को, लोगों को ये कह दें कि शहीद तो कर दिया कोई बात नहीं, पर इस शव के साथ छेड़छाड़ ना करें, ये तो युद्ध के नियमों के भी विपरीत है। आगे से कोई ऐसी दुर्गंध ना फैले तो मैं बधाई देता हूँ। और देश भर में जो करोड़ों शुभचिंतक, देश भर में जो लाखों कार्यकर्ता जो मेरे प्रति बहुत स्नेह से भरे हुए हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और साफ तौर पे उनसे ये कहता हूँ कि सबको लड़ने ही पड़े अपने अपने युद्ध, चाहे राजा राम हो चाहे गौतम बुद्ध। कुमार विश्वास कवि हैं, जाहिर है दिल के दर्द को कविता के जरिए ही निकालेंगे, लेकिन उस दर्द का क्या जो आपने दिया, आप यानी केजरीवाल ने दिया। अन्ना आंदोलन के चिरागों में से एक जगमगाता नाम कुमार विश्वास का भी था। ये जोड़ी अक्सर साथ नजर आती रही, केजरी के हनुमान बनकर कुमार विश्वास आंदोलन से लेकर सियासत तक मजबूती देते रहे, हर नाजुक वक्त पर साथ रहे, लेकिन अब ये साथ विश्वासघात की मोटी दरार से बिखराव की ओर है। वो दरार इतनी बड़ी हो चुकी है कि अब विश्वास को भी अपना रास्ता अलग नजर आने लगा है, लिहाजा खुद को शहीद कह रहे हैं। मैंने डेढ़ वर्ष पहले ये सोचा था, छह महीने पहले, चार महीने पहले मुझे 22 लोगों की एनी में बुलाकर अरविंद ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा था, सर जी आपको मारेंगे नहीं, आपको मारेंगे पर शहीद नहीं होने देंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूँ कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूँ। बस एक निवेदन करता हूँ कि युद्ध का भी एक छोटा सा नियम होता है, मैं तो आपका भाई हूँ, मित्र हूँ, कि शहीदों के शव से छेड़छाड़ नहीं की जाती। और मैं जानता हूँ आपकी इच्छा के बिना हमारे दल में कुछ होता नहीं है, आपसे असहमत रहकर वहाँ जीवित रहना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कवि जरा जज्बाती होते हैं, इसलिए दिल की बात चेहरे पर आने में देर नहीं लगती। कुमार विश्वास मुस्कान लिए तो कैमरे के सामने आए, लेकिन दिल की गहराइयों में ठंडा पड़ा दर्द कुछ ही देर में छलक उठा। चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी क्योंकि जो ताज विश्वास के सर पर सजना था वो उनका मुस्तकबिल बन गया। जिनका वजूद विश्वास के आगे आम आदमी पार्टी में बेहद कम था, बस इसी बात का मलाल है कुमार विश्वास को कि उनके आगे तरजीह दो अनाम शख्सियत वाले लोगों को दे दी गई। जाहिर है घमासान तो मचेगा ही, आखिर क्या कुछ चल रहा है इस बारे में पूरी तफसील से आपको बताएंगे। पहले जरा उन नामों को देख लीजिए जो दिल्ली से आम आदमी पार्टी ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा में भेजने के लिए तय किए हैं। आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता, राज्यसभा की रेस में शुरू से आगे, केजरीवाल के बेहद करीबी नेता, यूपी के सुल्तानपुर के रहने वाले, स्वराज और अन्ना आंदोलन में बड़ी जिम्मेदारी, आम आदमी पार्टी की कोर कमेटी के मेंबर, पार्टी में संकट मोचक की भूमिका। जिस दूसरे नाम को आम आदमी पार्टी राज्यसभा भेजने की तैयारी में है वो है एनडी गुप्ता। पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईसीएआई के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इकोनॉमी के अच्छे जानकार माने जाते हैं, संसदीय समिति में भी रह चुके हैं। इसके अलावा तीसरा नाम है सुशील गुप्ता का। सुशील गुप्ता शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, 15,000 बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का दावा, 4 बड़े चैरिटेबल अस्पताल चलाते हैं, ब्लाइंड बच्चों के लिए स्कूल भी खोला है। 2013 में कांग्रेस के टिकट पर मोतीनगर से चुनाव लड़ा और हार गए। 3 नाम पीएससी में फाइनल किए हैं। पहला नाम संजय सिंह जी का है, दूसरा नाम क्लियर हुआ है जो पार्टी की तरफ से एनडी गुप्ता साहब हैं, नारायण दास गुप्ता, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तीसरा नाम सुशील गुप्ता जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं, ये एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर से जुड़े हैं, इनका बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। पीएससी ने मुझे चुना है तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का
आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने के लिए चुनने के लिए भेजा। माननीय केजरीवाल जी की अगुवाई के अंदर दिल्ली के अंदर जगह जगह चिकित्सालय खोले हैं। कहा जा रहा है कि संजय सिंह के नाम से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को लेकर आम आदमी पार्टी में कई नेताओं में सहमति नहीं बन पाई थी और जब कुमार विश्वास को दरकिनार किया गया तो तरह तरह के इल्जाम लगने लगे। बीजेपी की तरफ से कहा जाने लगा कि टिकट को 50 करोड़ में बेचा गया है। वहीं आप से निकाले गए विधायक कपिल मिश्रा ने भी टिकट की सौदेबाजी का आरोप लगाया। दोनों 5000 करोड़ के मालिक हैं, तो दोनों ने मुझे 6 महीना पहले ये बोला कि हमने 50-50 करोड़ में बात कर ली है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा कांग्रेस में रहे। सुशील गुप्ता जी कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े, पिछला विधानसभा का चुनाव कीर्तिनगर से, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे वो राज्यसभा में जाएंगे। मगर अब तो स्पष्ट हो गया है कि, और उन्होंने खुद ही मुझे बताया था कि हमने 50 करोड़ रुपए में बात कर ली है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि 50 करोड़ का सौदा है और आंदोलन के पौधे को रौंदा है। अरविंद केजरीवाल ने आज हत्या की है आम आदमी पार्टी की, पर इसमें सबसे दुखद बात यह है कि अल्पसंख्यक समाज का कोई प्रतिनिधि पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा है कि राज्यसभा में नहीं जा रहा। जाहिर है बात चली है तो दूर तलक जाएगी। अब देखना है कि कुमार विश्वास इस विश्वासघात का बदला कैसे लेते हैं। उनके पास दो रास्ते हैं, या तो नीलकंठ बनकर सारे जहर को पी जाएं, या फिर केजरीवाल के सामने ऐसा तांडव दिखाएं जिससे केजरीवाल को कुमार विश्वास की अहमियत समझ में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल ये एक खामोश अदावत है जो कुछ महीने पहले शुरू हुई, लेकिन दोनों के बीच पहले ऐसा नहीं था। कुमार और केजरीवाल एक साथ एक मुद्दे पर एक राय रखते थे, शायद सियासत के रंग ने दोनों को अलग कर दिया। केजरीवाल और कुमार विश्वास की सोच अब पूरी तरह से बदल चुकी है। और एक चीज जरूर, बड़ी बड़ी सम्मान हो रहा था एक आंदोलन, एक मंच और एक ललकार जो आम आदमी की आवाज बनी थी। लेकिन सत्ता चीज ही ऐसी है जिसे पाकर आदमी खुद को भूल जाता है। केजरीवाल दिल्ली में जीते तो उनकी तकदीर तो बदली ही, लेकिन तासीर भी बदल जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। खासतौर से कुमार विश्वास को तो बिल्कुल ही नहीं था, लेकिन आज पूरी तरह से समझ आ गया होगा कि केजरीवाल का विश्वास अब वो नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। जबकि दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी जीती थी तो ये साफ था, राज्यसभा में जाने वाले एक नेता में कुमार विश्वास का नाम जरूर होगा। लेकिन तब के और अब के हालात में जमीन आसमान का अंतर है। कुमार विश्वास को बड़े तरीके से किनारे लगाया गया, इसका आभास कुमार विश्वास को भी था। मैंने 1.5 वर्ष पहले ये सोचा था, 6 महीने पहले, 4 महीने पहले मुझे 22 लोगों की एनी में बुलाकर अरविंद ने मुझे मुस्कुराते हुए कहा था, सर जी आपको मारेंगे नहीं, आपको मारेंगे पर शहीद नहीं होने देंगे। तो मैं उनको बधाई देता हूं कि मैं अपनी शहादत स्वीकार करता हूं। कुमार विश्वास बेशक चेहरे पर गम ना दिखा रहे हों, लेकिन उनका दिल जरूर रो रहा होगा, क्योंकि राजनीति की दुनिया में अपना सुनहरा भविष्य का सपना एक झटके में चकनाचूर हो गया। ये उसी केजरीवाल ने किया जिस पर उन्हें बेहिसाब भरोसा था। लेकिन अभी बात यही खत्म नहीं होती, कुमार विश्वास कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बागी नेता कपिल मिश्रा की तरह कुछ बड़ा खुलासा कर दे। वक्त भी कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सुशील गुप्ता के राज्यसभा टिकट पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। ये वही सुशील गुप्ता है जो 36 दिन पहले तक कांग्रेस में थे, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा कांग्रेस में रहे। सुशील गुप्ता जी कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़े, पिछला विधानसभा का चुनाव कीर्तिनगर से, तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे वो राज्यसभा में जाएंगे। यहाँ तक कि कांग्रेस की यूथ विंग NSUI से सियासत शुरू की थी। साफ है कांग्रेस के पुराने सिपाही रहे हैं, लेकिन अचानक से आम आदमी पार्टी का दामन थामने के पीछे कुछ तो बात होगी। पीसी ने मुझे चुना है तो सबसे पहले मैं अपनी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया और मुझे राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करने के लिए चुनने के लिए भेजा।
सुशील गुप्ता पर बीजेपी टिकट खरीदने का आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ कुमार विश्वास को भी लपकने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक कुमार विश्वास ने पत्ते नहीं खोले हैं। विश्वास और हमारे प्रधानमंत्री कहते भी रहे कि सबका साथ और सबका विकास, हमें सबका साथ चाहिए। कुमार विश्वास भी हमें साथ देंगे तो उनका भी साथ चाहिए देश की राष्ट्र के निर्माण के लिए। मैंने कुमार विश्वास जी को कहा था कि आप लोग समझ नहीं पा रहे उस व्यक्ति को, वो अपने हित और अपने निहितार्थ के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला केजरीवाल है, वो आप लोगों को धोखा दे रहा है और वो केवल मुख्यमंत्री बनना चाहता है। कुमार विश्वास ने कहा है कि वो शहीद हुए हैं, लेकिन ये नहीं बताया किस जंग में शहीद हुए हैं और उनका दुश्मन कौन था। जाहिर है अभी तक खुलकर केजरीवाल को दुश्मन तो नहीं बताया है, लेकिन जो काम केजरीवाल ने कुमार विश्वास के खिलाफ किया है वो दोस्ती वाला भी नहीं है। अभी तक केजरीवाल सामने नहीं आए हैं। जब तक कुमार विश्वास और केजरीवाल कुछ नहीं बोलते, तब तक इस खामोशी के हजार सवाल सामने आते रहेंगे और उन सवालों में एक नई अदावत की परछाई दिखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।